सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मैकेनिकल नॉलेज। और आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेल्डिंग में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो वेल्डिंग में हीट इफेक्टेड जोन होता क्या है, हम उसकी बात आज करने वाले हैं। हीट इफेक्टेड जोन, व्हाट इज HEZ, हीट इफेक्टेड जोन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है बिल्डिंग में, आज उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले। लेट्स स्टार्ट अबाउट द सो व्हेन द बिल्डिंग इज स्टार्टेड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट बिटवीन द टू बेस मेटल्स विद द हेल्प ऑफ दैट बेस मेटल्स। इफ वी आर वेल्डिंग इन द पॉइंट there is a formation of buds, then the buds impermanent, there is a little bit difference between the two basic object। मतलब समझ रहे हो कि जब हम लोग वेल्डिंग शुरू करेंगे तो एक पॉइंट में जब वेल्डिंग हो जाएगा तो एक बड्स वहाँ पे जो फिलेट होगा वो तो होगा ही फिलेट होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो माइक्रोस्ट्रक्चर होंगे उसके, वो माइक्रोस्ट्रक्चर को हार्मफुल करना चालू करेगा। यानी कि उसकी, देखो अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के बाद क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ तो यहाँ पर हम लोग वेल्डिंग होने के बाद यहाँ पे उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की बिल्कुल चेंज हो जा रही है। यहाँ पे आप समझ रहे हो, अगर ये यहाँ पे इसका माइक्रोस्ट्रक्चर अगर देख सकते हो, अगर नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक दूर दूर है या नज़दीक है, तो जो मेटल होगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, यहाँ इफेक्टेड होगा, इस एरिया में इफेक्ट होगा। यही, इसी का मतलब हीट इफेक्टेड जोन। देखो दोस्तों, वेल्डिंग तो हो जाएगा पर वो वीक होएगा। कहाँ से वीक होएगा, इस पॉइंट पे वीक होएगा क्योंकि यहाँ पे वेल्ड हो रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर उसका चेंज हो रहा है, जो ग्रेन साइज़ उसकी चेंज हो जा रही है। तो हर एक जगह पे सेम ग्रेन साइज़ नहीं होगा, तो इसका मतलब कहाँ, मटेरियल कहीं पे वीक कहीं पे स्ट्रॉन्ग, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो रही है इस जगह पे। वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ मैं, डायग्राम से बिल्कुल समझेंगे। यहाँ पे तो आप देख सकते हो एलॉय मटेरियल यहाँ पर हुआ, जो भी मिक्सर होगा 2-3 मेटल्स का, तो ये जो पार्ट अगर देखे तो ये अनइफेक्टेड है, ठीक है, ये तो अनइफेक्टेड है, ठीक है, और ये एलॉय मेटल्स हैं, जो भी मेटल है। अभी ये जो एरिया होता है ना, ये लो टेम्परेचर है, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है जहाँ पर हमारा वेल्डिंग शुरू हुआ है। वेल्डिंग से थोड़ा सा दूर अगर आप देख सकते हो तो ये लो टेम्परेचर होगा, लो हीट इफेक्टेड जोन। यानी कि इस पॉइंट पे इफेक्ट जो होगा वेल्ड का वो कम होगा। अब मैं बात करूँ इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा क्योंकि ये वेल्डिंग से नज़दीक है ये पॉइंट, ये एरिया। तो दिस इज़ द हाई टेम्परेचर हीट इफेक्टेड जोन वेयर द मेटल विल बी वेल्ड, देयर इज़ द चेंजेस ऑफ द ग्रेन साइज एंड द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपोनेंट, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट और द मेटल्स। समझ रहे हो, तो यहाँ पे चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है और इफेक्ट होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा है, तो वीक यहीं से होगा। अभी इस पॉइंट में देखें तो ग्रेन ग्रोथ इन द हीट इफेक्टेड जोन, अभी ग्रेन जो है ना यहाँ पर बढ़ेगा। अब समझ रहे हो, यहाँ पे अगर हीट होएगा, हीट होने के बाद जब जैसे ही ठंडा होगा तो यहाँ पर ग्रेन सा जो होगा ना वो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहीं पे बढ़ेगा, कम होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पर उसकी ग्रोथ हो रही है और जो डिक्रीमेंट हो रहा है इसी पॉइंट पे हो रहा है। तो दिस इज़ द प्योर मेटल, ये जो है प्योर मेटल है, ठीक है। अब ये जो एरिया है, यही हमारा जो ग्रेन साइज है उसको ग्रोथ करेगा या फिर कम करेगा या फिर ज़्यादा करेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मैं बात करें, जो वेल्डिंग मटेरियल जो वेल्ड हो गया है, जो वेल्ड हो रहा है, ठीक है, तो पार्शियली मेल्टेड जोन, इसे हम कहते हैं पार्शियली मेल्टेड जोन। ये अभी मेल्ट, अब जब दो मेटल वेल्डिंग चालू होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियली जो मेल्टेड जोन है, इस एरिया को बोलेंगे हम लोग पार्शियली मेल्टेड जोन, ठीक है। अब ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये जो पॉइंट है ये अंदर का नहीं होगा, ये बाहर का होगा, ठीक है, पार्शियली मेल्टेड जोन। अब ये जो अंदर है,
दिस इज कॉल्ड द फ्यूजन जोन। फ्यूजन मतलब कि दो मटेरियल एक साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल फ्यूजन हो चुके हैं, बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, दोनों एक साथ मिक्सचर हो चुका है दोनों का। तो कहने का मतलब समझ रहे हो कि ये दिस इज कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ द टू मटेरियल एंड दिस इज द पार्शियली मेल्टन ऑफ द मोल्टन मेटल्स। ठीक है, तो ये था कि किस तरीके से हीट इफेक्टेड जोन एक प्योर मेटल में किस तरीके से काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर दूँ यहाँ पे, तो हम लोग जो है यहाँ पर मैकेनिकल प्रॉपर्टी, अब इसकी बात करें वेल्डिंग की, हमारा होगा क्या अगर हम लोग वेल्ड कर दिए। सबसे बात करूँ मैं तो उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, ये सब आगे बताएंगे, पर एक ओवरऑल बता रहा हूँ। मेलिबिलिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल, ठीक है, एंड इलोंगेशन, देर इज लॉट्स ऑफ द लॉट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस विच हैव बीन बॉदर्ड बाय द ड्यूरिंग द बिल्डिंग। ठीक है, ड्यूरिंग द बिल्डिंग देर इज लॉट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस विच हैव टू बी बॉदर्ड, क्योंकि अगर देखो डिपेंड करता है मेटल का पूरा इसी पे। अगर मेटल हम वेल्ड करते हैं तो वेल्डेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मशीनेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो मशीन हो सके इजीली, और दूसरी चीज़ की मेलेबिलिटी होनी चाहिए, आसानी से वो मिक्स हो जाए या फिर उसकी ग्रेन साइज बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। वो मटेरियल इस तरीके का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए वेल्डिंग। तो दिस इज़ कॉल्ड द वेल्डिंग ऑफ द मटेरियल विच विल बी हैपेंस इन द हीट अफेक्टेड जोन। तो हीट अफेक्टेड जोन ही हमारा जो है मेटल में, हर एक मेटल में होता ही होता है। तो हीट अफेक्टेड जोन जो है ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये वेल्डिंग के कारण आता है। तो दिस इज़ द कॉल्ड, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द हीट अफेक्टेड जोन। आई होप यू ऑल आर विल बी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीट अफेक्टेड जोन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लाइक, कीप शेयर, कीप सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।